फ्लोर टेस्ट से पहले ही तेजस्वी यादव की पार्टी के दो नेताओं पर सीबीआई का छापा। राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद सुनील सिंह के घर आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने छापा मारा है। जानकारी के अनुसार सीबीआई का छापा सिंह के घर आज सुबह से चल रही है। बीजेपी के कहर से राजद का मुंह जहर हुआ और नीतीश कुमार की उल्टी जारी रहने का कयास लगाया जा रहा है। बहरहाल राजनीतिक दांवपेच में जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी है। अब जनता भी तो इसी के इंतजार में थी कि ईडी सीबीआई वाला खेला कब से शुरू होगा। बीजेपी पुरानी और बड़ी पार्टी है, सही वक्त आने पर सटीक रणनीति के साथ फील्ड में फील्डर सेट करती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं कि पांव के नीचे से फ्लोर खिसकाने का इंतजाम शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि क्या होता है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से यह जाना जाता है कि मौजूदा सरकार या मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त बहुमत है या नहीं, यानी कि कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास प्राप्त है या नहीं। एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत गवर्नर एक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। आसान भाषा में समझें तो सत्तारूढ़ पार्टी या मुख्यमंत्री पर जब बहुमत को लेकर सवाल उठाया जाता है तो बहुमत का दावा करने वाले पार्टी या गठबंधन के नेता को विश्वास मत हासिल करना होता है। इसके तहत उन्हें विधानसभा में मौजूद और मतदान करने वालों के बीच अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें राज्यपाल की कोई भूमिका या हस्तक्षेप नहीं होता है। बहरहाल इस कुकुर झांझों का जनता भी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि आमिर, शाहरुख और सलमान का फिल्म देखने से ज़्यादा इंटरटेनमेंट राजनेता कर रहे हैं और जनता पर महारानी गंधारी का असर बेशुमार है। अर्थात मेरे पास आँख है किंतु स्वामी जो खुद अंधे हैं उनके सहारे दुनिया देखने का भूत चढ़ा हुआ है। बहरहाल अब असल मुद्दा समझते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को कथित जमीन रेलवे नौकरियों के मामले में बिहार में छापेमारी की। ये छापेमारी राष्ट्रीय जनता दल के दो नेता, एक सांसद अशफाक करीम और दूसरे MLC सुनील सिंह के घर पर आज सुबह से की जा रही है। इस छापेमारी पर राजद MLC और विस्कोमान पटना के अध्यक्ष सिंह का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है यह जानबूझकर किया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। वे यह सोचकर ऐसा कर रहे हैं कि डर के मारे विधायक उनके पक्ष में आएंगे। बता दें कि सुनील सिंह के घर सुबह 7:30 बजे से CBI की टीम मौजूद है। CBI द्वारा दर्ज केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित उनकी बेटी भी आरोपी हैं। वहीं ये छापेमारी ऐसे समय में की जा रही है जब नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार को आज फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। दरअसल बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने राजद, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया है। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कल रात को ट्वीट किया था कि CBI और अन्य केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता गंवाने को लेकर उग्र है। शक्ति सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा था कि बौखलाई हुई भाजपा के सहयोगी CBI, ED, IT बिहार में अतिशीघ्र ही रेड की तैयारी कर रहे हैं। पटना में जमावड़ा शुरू हो चुका है, कल का दिन महत्वपूर्ण है। दरअसल यह घोटाला UPA फर्स्ट सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रेलवे की नौकरी देने के लिए रिश्वत के रूप में जमीन और संपत्ति प्राप्त की थी। वहीं जून में CBI ने सिलसिले में लालू यादव के करीबी सहयोगी भोला यादव को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नया बिहार न्यूज़।